हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य दुलारी देवी विद्यावती इंटरनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केवल ऐसे नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन मैथ का आएगा तो कैसे लगाएंगे, मतलब सरलीकरण कैसे करेंगे, अगर हमें जोड़ घटाना गुणा भाग सब एक साथ मिल जाए तो कैसे करेंगे। ये क्लास सिक्स से लेकर क्लास एट तक, क्लास सिक्स के लिए से लेकर क्लास एट तक के सभी बच्चों के लिए है। क्या सरलीकरण, सरलीकरण मतलब कि अगर हमें बहुत बड़ी संख्या जोड़ घटाना गुणा भाग में मिल जाती है तो उसको आसानी से हम कैसे हल करेंगे। ध्यान से देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमें यह चीज याद करनी होगी क्या कि प्लस में अगर माइनस का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस। अगर प्लस में प्लस का गुणा होगा तो क्या मिलेगा, प्लस। फिर अगर माइनस में प्लस का गुणा होगा तो क्या मिलेगा, माइनस। अगर माइनस में माइनस का गुणा होगा तो क्या मिलेगा, प्लस। कहने का मतलब यहां से देखिए, अगर चिन्ह बदल कर गुणा हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, मतलब चिन्ह चेंज हो जाए, एक प्लस का रहे एक माइनस का, तो हमेशा माइनस मिलता है। अगर एक ही चिन्ह का गुणा हो, जैसे प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस मिलेगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस प्लस मिलेगा। तो अगर एक ही चिन्ह का गुणा होता है तो प्लस का चिन्ह मिलता है, अगर प्लस माइनस का गुणा है तो माइनस का चिन्ह मिलता है। अब ध्यान से देखिए, अगर यह चीज हमें याद है, यह चीज अगर हमें याद है तो हम सरलीकरण बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, एकदम नॉर्मल से बता रहा हूं। जैसे दे दे हमें 4 प्लस माइनस का 3, ऐसे पहला क्वेश्चन दे दे 4 प्लस माइनस का 3। अब यहां पर ध्यान से देखिए, 4 में माइनस का 3 जोड़ना है, इसका मतलब यह है कि 4 है, 4 में जोड़ना किसको है, माइनस के 3 को। और जब भी माइनस लिखा जाएगा करने कोष्टक में लिखा जाएगा, जब भी माइनस को लिखेंगे तो अक्सर कोष्टक में ही लिखते हैं, इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, 4 में जोड़ना है माइनस का 3। देखिए 4 में माइनस का 3 जोड़ते हैं 4। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम कोष्टक हटाएंगे तभी तो इसको जोड़ घटा पाएंगे, अगर हम कोष्टक नहीं हटाएंगे तो जोड़ घटा नहीं पाएंगे। तो कोष्टक हटाएंगे, तो जब भी कोष्टक हटाएंगे तो इन दोनों चिन्ह का आपस में गुणा हो जाएगा। ध्यान से सुनिए इस बात को, अगर हम यहां से कोष्टक हटाएं तो अंदर वाले चिन्ह का बाहर वाले चिन्ह में गुणा होगा, क्या होगा, गुणा होगा। किसका, इस कोष्टक के अंदर वाले चिन्ह का कोष्टक के बाहर वाले चिन्ह में गुणा होगा। तो जब प्लस का माइनस में गुणा होगा तो यहाँ ध्यान से देखिए, जब प्लस का माइनस में गुणा करते हैं मतलब चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, तो जब भी अलग अलग चिन्ह का गुणा होगा तो क्या मिलेगा, माइनस। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए 4 में से 3 को क्या करना है, घटाना है ना, तो 4 में से 3 घटा देंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये हो जाएगा आंसर। दूसरा सवाल देखिए, अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा उससे बड़ा सवाल है, क्या है, सबसे पहले तो 4 में माइनस का 3 जोड़ा है, 4 में क्या जोड़ा है, माइनस का 3 जोड़ा है, फिर उसमें से माइनस का 2 घटा दिया है, क्या किया है, 4 में जोड़ा किसको है, माइनस के 3 को, फिर उसमें से माइनस के 2 को क्या किया है, घटा दिया है। तो चलिए इसको हल कर देते हैं 4। अब ये कोष्टक जब तक हटाएंगे नहीं तब तक हल तो होगा नहीं, तो कोष्टक हटाएंगे तो मैंने बताया कि जब भी कोष्टक हटाते हैं तो कर्णित कोष्टक के अंदर वाले का कोष्टक के बाहर वाले चिन्ह में गुणा हो जाएगा। तो इस प्लस का गुणा इस माइनस में हो जाएगा, प्लस का गुणा किसमें होगा, माइनस में हो जाएगा। तो जब प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। यहां से भी कोष्टक हटाए, कोष्टक हटाएंगे तो इस माइनस का गुणा इस माइनस में हो जाएगा, अंदर वाले चिन्ह का गुणा बाहर वाले चिन्ह में होगा तो माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो प्लस करेंगे, प्लस का हो जाएगा। और ऐसे भी माइनस में बैठा लीजिए कि जब एक ही चिन्ह का गुणा होता है, माइनस है माइनस है, तो जब एक ही चिन्ह का गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस। जब एक ही प्रकार के चिन्ह का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। जब चिन्ह बदल बदल के गुणा होगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ एक ही चिन्ह है ना, तो प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहला काम करेंगे कि प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे। जिस ध्यान से देखिए, चार के आगे कोई चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह मानेंगे, तीन के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का तीन हो गया, दो के आगे प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का दो हो गया। तो चार आ दो छह, चार दो कितना हो गया, चार दो छ, और छ में से माइनस का तीन घट जाएगा, तो छ में से तीन घटाएंगे कितना बचेगा, तीन बचेगा। छ में से तीन घटाएंगे कितना बचेगा, तीन बचेगा। अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया थोड़ा सा जब केवल प्लस माइनस हो सरलीकरण में। अब इसके बाद एक तरीका आता है कि जब प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग एक ही साथ आ जाए, जैसे मतलब चार प्लस तीन गुणे दो माइनस आठ भागे दो धन एक माइनस तीन, ऐसे आ जाए। ध्यान से देखिए, ऐसे आ जाए। इसमें क्या है, देखिए प्लस भी है, गुणा भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, मतलब सारे चिन्ह आ गए, प्लस माइनस फिर इनटू डिवाइड सब आ गए ना। तो इस कंडीशन में सबसे पहले जो नियम होता है बोर्ड मास, एक नियम होता है बोर्ड मास, बी से होता है ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं। ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। उसके बाद होता है ओ से होता है आप, उसके बाद का को काट देते हैं, जहां भी का रहेगा उसके जगह क्या लिख देंगे, काट के पूरा का चिन्ह लिख देंगे। उसके बाद डी, डी से डिवाइड, डी से डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग। उसके बाद एम, एम से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ए से ऐड, ऐड मतलब जोड़। यस से सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। कहने का मतलब कि अगर जोड़ घटाना गुणा और भाग एक ही साथ मिल जाए तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे। देखिए इसमें कोष्टक नहीं है, कोष्टक सवाल नहीं, इसलिए कोष्टक नहीं बता रहा। कोष्टक रहता तो सबसे पहले कोष्टक में को हल करते, तब जोड़ घटाना गुणा भाग हल करते, उसके बाद का को हल करते, उसके बाद भाग को गुणा को जोड़ को घटाना को। लेकिन इसमें कोष्टक नहीं है, और जब इसमें कोष्टक नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, का को लेकिन कहीं यहाँ का भी नहीं लिखा है, कहीं का लिखा है इसमें नहीं लिखा है, तो का को भी हल नहीं करेंगे, उसके बाद भाग को हल करेंगे। तो इस सवाल को लगाना है तो ध्यान से देखिए, इस सवाल को लगाएंगे तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे भाग को। तो भाग कहाँ है, यहाँ है, तो बाकी ऐसे ही नोट कर लेंगे। चार प्लस तीन गुणे दो माइनस, अब पहले दो से आठ में भाग दे देंगे, तो दो से आठ में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, दो चौक आठ, चार बार जाएगा। फिर प्लस वन है तो वन लिख लीजिए, माइनस का थ्री है तो माइनस का थ्री लिख लीजिए। अब भाग के बाद किसको हल करना है, गुणा को। भाग के बाद किसको हल करना है, गुणा को, तो भाग के बाद गुणा को हल कीजिए, तो ये चार हो जाएगा प्लस तीन दुना के छ, पहले गुणा हल कर लेंगे ना, तीन दुना के छ, फिर माइनस का चार, फिर प्लस का वन, माइनस का तीन,
ये हो गया। अब इसके बाद क्या हल करते हैं, गुणा हल हो गया, उसके बाद क्या हल करते हैं, जोड़। गुणा के बाद किसको हल करेंगे, जोड़ को। तो देखिए कहां कहां जोड़ है, ये जोड़ है, ये जोड़ है, ये दोनों तो माइनस है, इसको छोड़ दीजिए। तो जोड़ को जोड़ लीजिए, छ चार दस, और दस में एक जोड़ देंगे ग्यारह। क्या क्या जोड़ेंगे, छ में चार जोड़ेंगे तो दस होगा, दस में एक जोड़ देंगे तो ग्यारह हो जाएगा। अब माइनस माइनस वाला भी जोड़ देते हैं, एक से अधिक अगर कहीं माइनस रहता है तो उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितने माइनस है, यहाँ दो तो माइनस है, ध्यान से समझ लीजिए। एक से अधिक अगर माइनस रहे तो ये सब जुड़ जाएंगे, तो तीन तीन छह दो आठ एक नौ, तो माइनस का नौ हो जाएगा। जोड़ते तो है लेकिन चिन्ह माइनस का लिखते हैं। तो अगर हमारे सामने एक से अधिक माइनस दे दे तो उन सबको जोड़ देते हैं, जोड़ते तो है लेकिन चिन्ह किसका लिखते हैं, माइनस का। तो यहाँ पर भी एक से अधिक माइनस है, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, टोटल कितने माइनस, दो माइनस। दोनों को जोड़ेंगे तो लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे, माइनस का। तो चार तीन सात, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, घटाना। तो ग्यारह में से सात घटा देंगे, कितना बचेगा, चार। और यही इसका क्या हो जाएगा, एंसर। समझ में आया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में इसके बाद बताएंगे कोष्टक वाला सवाल, ठीक है। इतना ध्यान से पढ़िए, और अपने घर के अगल बगल अगर कोई जानकार व्यक्ति है, चाचा भैया जो भी है, बाबा, तो उनसे इस प्रकार सवाल कीजिएगा, जो घटाना गुणा भाग का चाहे किताब से देखकर हल कीजिएगा, नहीं आए नहीं आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।